नमस्ते, मैं कुमार जोशी रेस्टोवर में आपका स्वागत करता हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ, भविष्य परिवर्तन चेंज ऑफ डेस्टिनी। एज एन एस्ट्रोलॉजर को क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या भविष्य आप परिवर्तन कर सकते हैं, भविष्य बदल सकता है क्या? आप डेस्टिनी, आपके भगवान कोई डेस्टिनेशन, आपका हर कुंडली को एक डेस्टिनेशन है, फिक्स है कि वो आप डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन होता है। तो और वो डेस्टिनी चेंज करने के लिए क्या पॉसिबल है, और है तो आप एज एन एस्ट्रोलॉजर आप क्या करें, तो ये क्वेश्चन होता है। तो मैं देखिए इसको, ये सब्जेक्ट को किस तरह से लेता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में आप एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को जो मानते हैं, तो मानने से अच्छा है कि आप उसको जाने। आपको आपका जानना जरूरी है, तभी आप भविष्य को परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म है, और ये उनके भविष्य के टाइम, जो भविष्य के वक्त जो ज्योतिषों ने बताया था कि ये सन्यस्त हो जाएंगे, और बुद्ध के पिता ने बहुत कोशिश की और बुद्ध ने फिर भी सन्यास ही हुए बुद्ध। यानी कि कुछ कुछ डेस्टिनी है जो चेंज नहीं होती, कुछ डेस्टिनी हमारे जीवन में हम चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम देखे डेस्टिनी को चेंज करने के लिए, जो हमारी ह्यूमन की, जो हमारी इंसान की जो कोशिश है, वो किस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम भविष्य को किस तरह से बदल सके, और एज एन एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष को किस तरह से बेनिफिट हम लेते हैं। तो मैं आपको इसके लिए आपको जो आइडिया दे रहा हूँ, जिस तरह मैं इसको इस तरह से सोचता हूँ कि ज्योतिष के बेनिफिट आप कहाँ ले सकते हैं, कि आप बेस चार्ट को आप जब देखते हैं, तो जब बेस चार्ट को देखते हैं तो आपको आपको उससे बेस चार्ट को देखते ही कुछ ना कुछ चीजें दिखाई देती है कि इसमें ये चीज नेगेटिव है और पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव हमारे जो चार्ट है, इसमें जो नेगेटिव है, उसको हम किस तरीके से उस पर ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीज है, जैसे कि हमारी शादी है, बेसिकली हमारी जो मैरिज लाइफ है, हमारी मैरिज लाइफ है, ये बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं आप, कि ये बहुत बड़ा स्टेप है। ये स्टेप से हम अब याद रखिएगा, मैरिज लाइफ एक ऐसा स्टेप है हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन में कंटिन्यूस हमारे लाइफ का, हमने जिसको मैरिज लाइफ का पार्टनर चॉइस किया, वो हमारे साथ ही कंटिन्यूस हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे जीवन में हमारे साथ चलेगा। और डेफिनेटली अगर जो हम चॉइस कर सकते हैं, और हमने ये कोशिश हम करते हैं, हम मैच मेकिंग, जो हम इंडियन, हमारे जो हिंदू संस्कृति में हम जो कोशिश करते हैं कि मैच मेकिंग के बिगैर हम शादी नहीं करेंगे, शादी ना करने की वजह एक ही है कि हमारे मैरिज लाइफ में हम ऐसे पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम पूरे एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर में जो लड़की आती है वो सिर्फ हमारे सुख और दुख को, हमारे को उसका एडवांटेज हो। अभी ये आप मैरिज लाइफ का बेनिफिट लिया जा सकता है मैरिज लाइफ से, और ये मैच मेकिंग के वक्त हम देखिए किस तरीके से बेनिफिट लेते हैं। तो मैंने इसका एक मेरा अपना वीडियो बनाया है मैरिज लाइफ का, कि हमारे लग्न से 6-8-12 लग्न है उसको इवेट करिए। हमारी कुंडली में अगर जो 5th हाउस में राहु है, तो हम दूसरी कुंडली में हम ये सोचते हैं कि हमारी दूसरी कुंडली में भी इस तरीके से, अगर हम एक कुंडली में 5th हाउस में राहु है, तो दूसरी कुंडली में लग्न से 5th हाउस में राहु नहीं होना चाहिए। मैंने वो मैरिज लाइफ के जो मेरा वीडियो है उसमें काफी डीपली एक्सप्लेन किया है। और ये है दूसरी चीज के, पहले के जमाने में कुछ वो, जैसे कि कुछ ये जानवर थे, जैसे कि घोड़े पे सवारी करते थे, तो वो जानवर को, जैसे कि ये व्हीकल है आज के जमाने में व्हीकल, तो पहले के जमाने में जो घोड़े थे या जानवर थे उसको वो लोग रिकग्नाइज करते थे, जैसे गाय भैंस है वो जानवर को वो लोग रिकग्नाइज करते थे, और उसमें जो लकी होता था वो जानवर वो अपने लिए परचेज करते थे। तो उसके तरीके थे वो घोड़े को रिकग्नाइज करना, अच्छी नस्ल का घोड़ा है अच्छा। जैसे आज के युग में देखिएगा ये व्हीकल का जो काम है, उसमें देखिएगा कि ये 6 नंबर का जो व्हीकल है, 6 नंबर शुक्र का आंकड़ा है, तो ये व्हीकल हमेशा खुद के लाभ के लिए है, बेनिफिट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। अगर आप इसमें भी अगर जो राहु का आंकड़ा लेते हैं, 4 का आंकड़ा है, यानी कि 13 का आंकड़ा है, 22 है, जैसे कि राहु के आंकड़े है 22, 13, 4, 31, ये राहु का आंकड़ा, तो ये आंकड़े हमेशा टाले जाते हैं व्हीकल के लिए। तो ये जो हमको लक के लिए जो व्हीकल का जो ये है, तो वो याद रखिएगा ये 6 नंबर है, बाकी सब नंबर तो चलेगा एक बार, लेकिन राहु के आंकड़े टाले जाते हैं। फिर शनि के आंकड़े टाले जाते हैं, शनि के आंकड़े हैं, उसमें शनि में क्या आएगा, देखिए 8 आएगा, 17 आएगा, फिर 35 आएगा या 53 आएगा, उल्टा है या 71 है, मतलब ये टोटल 8 हो जाए, ये सेटर्न के आंकड़े, तो सेटर्न के आंकड़े भी हमको टालने चाहिए।
राहु के आंकड़े, सैटर्न के आंकड़े हम व्हीकल के लिए काम के हैं। और अगर तो ये सैटर्न का आंकड़ा है यानी कि ये वाला 8, 7, 17, 35, 53, 71, तो ये आंकड़े हम अपने नौकरों के लिए यूज करते हैं। ये आंकड़े न्यूमरोलॉजी के जो आंकड़े हैं हमारे ये सर्वेंट्स के लिए यूज करते हैं, अपने लिए यूज करने के लिए हम ये आंकड़े नहीं यूज करते। ये राहु का आंकड़ा है वो भी ऐसा ही है, वो भी कोई ना कोई मुसीबत में डालता है। तो ये सब व्हीकल्स हम टालते हैं। यही जुड़े जमाने में व्हीकल था, घोड़ा था, तो उसकी रिकग्निशन थी कि किस तरीके का घोड़ा लिया जाए तो काम आता है। और उस जमाने में इस तरह से उसको रखा जाता था, उस जमाने की बात है। और थर्ड है हमारा ये जो टालने के लिए एक वास्तु का इस्तेमाल करते। देखिए वास्तु यानी कि हाउस रहने के लिए। देखिए हमारे मैरिज लाइफ का पार्टनर अच्छा सिलेक्ट कर लिया, हमारे डे टू डे लाइफ में हम व्हीकल से चलते हैं, वो व्हीकल भी अच्छा हो और हम जहाँ रहते हैं, ये वास्तु। थर्ड वास्तु, ये वास्तु हमारा घर है। तो ये वास्तु जो है, हमने जो वास्तु लिया उस वास्तु में देखिए साउथ फेस है, साउथ वेस्ट फेस है, ये सब हम इग्नोर करते हैं। हमको ये वास्तु हम नहीं लेते। इस वास्तु में भी हम न्यूमरोलॉजी भी लगा देते हैं कि ये चार का आंकड़ा जैसे राहु का आंकड़ा हम नहीं लेते हैं, और ये आठ का आंकड़ा है जैसे सैटर्न का आंकड़ा है, ये अगर तो ये इनका वास्तु है आठ नंबर का, तो ये आठ नंबर का आंकड़ा भी मालिक को नहीं रहने के लिए मालिक इस्तेमाल नहीं करते। जिसके पास बहुत बड़ा एम्पायर है वो लोग ऐसे आंकड़े लेते हैं 8, 17, 35, 53, 71, लेकिन उसमें वो नहीं रहते। मैंने आई ऑब्जर्व है कि ये जो सैटर्न का जो फिगर का जो वास्तु है, ये जो फिगर का वास्तु है, ये इंसान को हमेशा स्ट्रगल में रखता है। ऐसे बड़े बड़े एम्पायर के मालिकों का जो ये आंकड़ा होता है वो मालिक खुद नहीं रहते, अपने नौकरों को रखते हैं। इसमें उनके नौकर रहते हैं, सैटर्न उनके सैटर्न है, वो उनके रहने के लिए ये ऐसे वास्तु का इस्तेमाल होता है। मैंने वो चीज भी ऑब्जर्व किया हुआ है और ये सुख हमें दे सकता है। आप देखिएगा हमारे डे टू डे लाइफ में मैरिज लाइफ से, व्हीकल से और वास्तु से, ये तीन चीज से हम भविष्य को परिवर्तित कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर अगर आप पंचांग देखते हैं तो आपको पंचांग देखने के लिए भी मैंने हाउ टू टेक द बेनिफिट, तो पंचांग में भी आपको धीरे धीरे अपने आइडिया आने लग जाएगी। मैंने काफी वीडियोस और भी डाले हैं जिसमें आपके लग्नेश को देख के मैंने बोला है कि किस तरह से लग्नेश है वो देख के चलना है। और ट्रांजिट, अगर तो ट्रांजिट में देखिए वो आप बर्थ चार्ट में अगर आपके नेगेटिव रोल है तो ही आपको केयरफुल रहना है उसमें। अगर ट्रांजिट में कोई चीज का अगर कुयोग होता है, कुयोग यानी कि अगर राहु मंगल का दोष आता है, शनि मंगल का दोष आता है आसमान में ट्रांजिट में गोचर में, तब आपको केयरफुल रहना पड़ेगा उतने ही वक्त कि जब तक कि ये ट्रांजिट आपका फिनिश नहीं हो जाए। ट्रांजिट फिनिश और आपके बर्थ चार्ट में भी अगर वो नेगेटिव चीज है तो वो नेगेटिव चीज 100% आपके सामने आके खड़ी होती है, अदरवाइज वो सभी के नेगेटिव रोल्स नहीं खड़े होते। और आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट। और इस तरीके से आप भविष्य को डेफिनेटली, भविष्य का डेस्टिनी, एकदम फाइनल डेस्टिनी को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। बट देखिए अगर तो मैरिज लाइफ में आपके मैरिज लाइफ का पार्टनर आपके साथ जब तक आपका जीवन है वो चलेगा, व्हीकल आपके साथ रहता है, आपका पाला हुआ जानवर आपका व्हीकल। जानवर को भी लोग लकी समझते हैं और कुछ लोग घर में कछुए पालते हैं, फिश पालते हैं, वो दैट इज दिस इज कनेक्टेड विद द व्हीकल एंड एनिमल। आपके घर में कोई लकी एनिमल्स आ जाता है वो भी हमेशा नसीब की बरसाव लेके आता है। आपके घर में आई हुई तकलीफों को ये जानवर लेके जाता है। तो ये जानवर भी पालने वाले लोगों का मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा है, मैरिज लाइफ, एनिमल्स और ये वास्तु, ये तीन चीज से हम अपनी डेस्टिनी में जो दुख है उसको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परसेंटेज हम कम कर सकते हैं। और ये देखिए मैरिज लाइफ सबसे बड़ा रोल है। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं बोलता हूँ आपको कि एस्ट्रोलॉजर की इतनी ज्यादा फीस नहीं होती कि हम इसके लिए, ये चीज के लिए ऑलवेज टेक द एडवाइस। मैरिज लाइफ के लिए ज्योतिष की एडवाइस लेनी चाहिए। अगर आप ज्योतिष है तो आपसे अच्छे नॉलेज वाले ज्योतिष की डेफिनेटली एडवाइस लेनी चाहिए। आपको आपके नॉलेज का सेटिस्फेक्शन है तो डेफिनेटली, तो जरूरत नहीं है। अदरवाइज डेफिनेटली आपको जब भी आप मैरिज करते हैं टेक एडवाइस। आप कोई नया व्हीकल लेते हैं तो टेक एडवाइस, एंड वास्तु टेक एडवाइस। अभी व्हीकल लेते हैं, व्हीकल की भी ये लोग आप देखिएगा कि ये इसका उद्घाटन, जैसे कि आप फर्स्ट डे आप लेके जाते हैं या उद्घाटन के लिए लाते हैं तो इसका भी ये लोग मुहूर्त देखते हैं। तो डेफिनेटली शुक्र की हो रहा है, शुक्र अच्छा हो तभी ये व्हीकल दिए जाते हैं। शुक्र 6, 8, 12 से मूवमेंट होता हो तभी ये व्हीकल अच्छा इस्तेमाल नहीं, आपको अच्छा उपयोग नहीं दे सकता। तो आप ये इस तरीके से, आप ये जो मेरे छोटा सा वीडियो से आपको ये मेरी कोशिश की है कि हमें एज एन एस्ट्रोलॉजर को पूछा जाता है कि क्या आप डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ लोगों की मैं देखता हूँ कि मैरिज लाइफ में, अभी मैंने मैरिज लाइफ का पूरा वीडियो बनाया है। सेवेंथ हाउस में शनि मंगल है, राहु मंगल है, तो डेफिनेटली अगर तो आपका ही चार्ट ऐसा है तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे देर इज
सेवेंथ हाउस में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको दूसरा चार्ट सिलेक्टेड और परफेक्ट ढूंढना पड़ेगा, कोई आपकी मैरिज लाइफ हैप्पी हो सकती है। और दो डेस्टिनी में कुछ परसेंटेज तक आप चेंज आते हैं। चेंज ऑफ डेस्टिनी इज नॉट वेरी इजी, आप पर गुरु कृपा है, गुरु गुरु यानी ज्योतिष, आपकी श्रद्धा को कहीं न कहीं टांगनी पड़ेगी, आपकी श्रद्धा कहीं ना कहीं टांगनी पड़ेगी, आइदर ईश्वर के लिए या ईश्वर के लिए हो, ईश्वर के लिए आप ईश्वर के लिए आप ईश्वर को आपकी श्रद्धा टांगो, ज्योतिष में आपकी श्रद्धा हो, किसी गुरु पे आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा जरूरी है। और श्रद्धा है और आपने उसको रिकग्नाइज कर लिया, इट इज नॉट इजी। आपने आप देखेगा मैरिज लाइफ का स्टाइलिंग गलत हो गया मेरा, तो मैरिज लाइफ का स्टाइलिंग आपने आपकी श्रद्धा को कहीं ना कहीं टांगी है। गुरु की आप एडवाइस लेते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर के पास से, कि किसी से ज्योतिष से आपने सलाह ले ली कि आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आपको आप उसमें कुछ हद तक परिवर्तन डेफिनेटली ला सकते हैं, क्योंकि मैरिज लाइफ का जो पार्टनर है वो भी अपनी पुण्याएं लेकर आता है। एंड हमको बर्थ रिबर्थ ऐसे आते ही रहते हैं हिंदू प्रिंसिपल के हिसाब से, हमारा जन्मों जन्म का संबंध है। इस जन्म में हम जो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप मैरिज सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अच्छे फ्रेंड्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जीवन में आपके फ्रेंड्स है वो भी आप सिलेक्ट करते हैं जीवन में। फ्रेंड तो देखिए, अगर आप फ्रेंड बाद में अगर जो आपके बैक टाइम आते हैं, तो देखा मैंने आज का जो वर्ल्ड है उसमें फ्रेंडशिप के बेनिफिट कभी कभी नहीं ले सकते, अगर आपका लग्नेश 11 में है तो ही आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आपके बेस चार्ट पे दम चाहिए। लेकिन मैरिज लाइफ का तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी से आपका संबंध आ सकता है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको ये जो वीडियो मैंने दिया है वो इसलिए दिया है कि आप इसको सोचें, इसको समझने की कोशिश कीजिए और आप इस भविष्य को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में जो रिप्लाइज है मेरा वो यही है कि चेंज ऑफ डेस्टिनी कैन बी डन बट टू सम एक्सटेंट। आप बुद्ध को बुद्धत्व होने लेने से रोक नहीं सकते, आप कई हद तक उसको चेंज कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैंने इसमें मेरे जीवन में भी मैंने ये देखा है, मैंने उसकी कोशिशें की है बेनिफिट लेने की, और मैं देखता हूं कि जैसे शनि की 6:30 होती है 12वें, मैंने काफी उसमें आप गोचर का भी वीडियो बनाया है कि आपको कहाँ रुकना है, कौन से वक्त पे चलना है। डेफिनेटली मैंने इसके भी आपको लिंक देते हुए मेरे ट्रांजिट के वीडियो भी मैंने दिए, आप प्लीज मेरे इस वीडियो को देखिएगा, वो और फर्दर डिटेल्स में है। इस वीडियो में मैं इससे फर्दर डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, और मैं आपको फिर से मिलता हूँ मेरे कोई फर्दर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी चैनल को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच और नमस्ते।